दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल इलाके में एक प्लास्टिक दाना फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। प्लास्टिक दाना फैक्ट्री में आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग के कर्मचारी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। बता दें कि मौके पर दमकल विभाग की 25 गाड़ियां मौजूद हैं और आग करीब बीते दिन रात करीब 9 बजे लगी थी। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन दमकल विभाग के कर्मचारी लगातार आग पर काबू पाया जा चुका है। कल रात देर रात की घटना बताई जा रही है। रात 9 बजे नरेला इलाके में ये भीषण आग लगी। फिलहाल दमकल विभाग की 25 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी थीं और आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। इसी खबर पर अपडेट देने के लिए शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, फिलहाल क्योंकि कल का ये पूरा मामला है और कल लगी थी भीषण आग, फिलहाल जानकारी क्या है, कितना नुकसान बताया जा रहा है और क्या अभी तक आग पर काबू पा लिया गया है पूरी तरीके से? देखिए, आपको बता दें, ये दाना बनाने की फैक्ट्री थी। दाने के चलते इसमें तिरपाल बनता था और ये रात को 9:30 बजे करीब आग लग जाती है, जिसमें दमकल की तकरीबन 25 गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया है। फिलहाल अभी तक आग जल रही है और लगातार दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर पहुंची हुई है और आग बुझाने का काम कर रही है। बताया जा रहा है इसमें करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल किसी की जान के नुकसान नहीं हुई है। जी, और शिवेंद्र, किन कारणों की वजह से आग लगी, क्या अभी तक कुछ समझ आ पाया है? देखिए, अभी आग बुझी नहीं है, इसके चलते कि कोई